गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 7 ग्रैंडफादर्स विजिट। ओके, सो ग्रैंडफादर्स विजिट, वेयर डू योर ग्रैंडफादर्स लिव, डू यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन योर ग्रैंडफादर्स कम विजिटिंग यू? तो तुमको पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर्स कहाँ रहते हैं? जो दादाजी को ग्रैंडफादर कहते हैं, तो किसी के पास रहते होंगे, किसी के दूर रहते होंगे, है ना। सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर ग्रैंडफादर्स कम विजिटिंग यू? तो जब वो दूर अगर रहते हैं, अगर तुमसे मिलने आते हैं, तो कैसा लगता है? ओके, सो हियर वी विल रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट अबाउट द स्पेशल सरप्राइज ए ग्रैंडफादर बॉट फॉर हिज ग्रैंडसन। तो कैसा सरप्राइज लेकर आते हैं? ओके, सो टुडे माय ग्रैंडफादर इज कमिंग फ्रॉम कानपुर। आज मेरे ग्रैंडफादर कानपुर से आ रहे हैं। तो इसके जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ रहते थे? कानपुर में। वी आर एट द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम। तो हम लोग कहाँ गए थे? एयरपोर्ट गए थे रिसीव करने। ओके, उनको वेलकम करने। द एयरपोर्ट इज़ वेरी क्राउडेड। एयरपोर्ट जो है बहुत ही क्राउडेड है, मतलब फुल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग है, भीड़ है। वी सी ग्रैंडफादर एंड वेव एट हिम। तो हमने ग्रैंडफादर को देखा और उनको हाथ हिलाया। ओके, ग्रैंडफादर इज 70 ईयर्स ओल्ड। तो उसके ग्रैंडफादर कितने साल के थे? 70 ईयर्स ओल्ड थे। ही वॉक्स विथ ए स्टिक। वो स्टिक के सहारे में से चलते थे। हिज हेयर इज़ ग्रे एंड हिज फेस इज़ रिंकल्ड। ही स्माइल्स हैप्पीली व्हेन ही सीज मी। तो उनका जो बाल है, हेयर मीन्स बाल, वो ग्रे कलर का है। एंड हिज फेस इज़ रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब बहुत सारे झुरियाँ हैं, हाँ, हैविंग फोल्ड्स और लाइन। और वो जब हमें देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। हाउ आर यू डुस्टू? ग्रैंडफादर आस्क्स। तो ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं हाउ आर यू डुस्टू। डुस्टू इज़ हिज पैट नेम फॉर मी बिकॉज आई एम नॉटी। तो डुस्टू उसका पैट नेम था। ओके, वो उसके दादाजी उसको डुस्टू करके बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही नॉटी था, बदमाश था। आई एम फाइन ग्रैंडपा, व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी फ्रॉम कानपुर? तो मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप हमारे लिए कानपुर से क्या लेकर आए हो? आई बॉट ए फ्रेंड फॉर यू, सेज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लेकर आया हूँ। हिज नेम इज़ छोटू। उसका नाम छोटू था। देन ग्रैंडफादर शोज मी ए किटन इन द बास्केट। फिर ग्रैंडफादर क्या दिखाते हैं? एक बास्केट में किटन दिखाते हैं। किटन कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, ना, वो बास्केट से उसको दिखाते हैं। ही बॉट द किटन फॉर मी ऑल द वे फ्रॉम कानपुर। तो ये किटन उन्होंने कानपुर से लेकर आया है। छोटू इज़ द सन ऑफ मीनी। तो योर ग्रैंडमास कैट ही सेज। तो वो दादाजी क्या बोलते हैं? छोटू जो है वो मीनी का बेटा है। मीनी दादी माँ का कैट है, उसका बेटा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स फील हैप्पी, है ना, बहुत ही खुश होना। टू फील हैप्पी एंड अनेबल टू रेस्ट। आई टेक छोटू इन माई हैंड्स। और मुझे बहुत एक्साइटेड लगा और मैंने छोटू को अपने हाथ में लिया। ही लुक्स एट मी विद ब्राइट बीडी आइज। वो मुझे देखता है ब्राइट बीडी आइज, मतलब बड़ी बड़ी आँखों से, है ना। देन ही स्निप्स माई फिंगर। स्निप्स मतलब स्मेल करता है, सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में। गिव हिम सम मिल्क व्हेन वी रीच होम, ग्रैंडपा सेज। तो वो ग्रैंडपा ने कहा कि उसको कुछ मिल्क देना जब हम घर पहुंचेंगे। छोटू हैज़ ब्राउन फर विथ ए वाइट पैच एंड ए पिंक नोज विच ट्विचेस। तो छोटू का ब्राउन फर था। फर का मतलब होता है सॉफ्ट थिक बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स। जो ऊपर जो बाल होता है ना बॉडी में, वो फर, उसे फर कहते हैं। विथ ए वाइट पैच, पैच का मतलब है स्मॉल एरिया ऑफ स्किन, स्किन में वाइट पैचेस है। एंड ए पिंक नोज विथ ए ट्विचेस। ट्विचेस का मतलब पिंक नोज, नाक, खाली ऐसे सूंघते रहते हैं, है ना, उसका इधर उधर बिल्ली का घूमता रहता है। सोन ही कर्ल्स अप इन माई आर्म्स एंड गोज टू स्लीप। फिर मेरे आर्म में कर्ल ये समा के वो सो जाता है, है ना। यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, दिस वन। थैंक यू ग्रैंडपा, आई विल लुक आफ्टर छोटू वेरी वेल। तो ग्रैंडपा को क्या बोलता है? थैंक यू, आई विल लुक आफ्टर छोटू वेरी वेल, दिस इज़ द बेस्ट प्रेजेंट एवर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है, गिफ्ट है मेरे लिए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, थैंक यू, बाय।